स्वागत है फिर से अपने स्मार्ट स्टडी में। तो फ्रेंड्स, यूपी टेट के लिए स्पेशल क्लास है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्री। तो फ्रेंड्स, एक दिन शेष है हमारा एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, होपलेस नहीं होना है, धैर्य पूर्वक पेपर करना है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने लिए आज 20 क्वेश्चन, वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, तो एच टेट 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर होती है अतिरिक्त सहायता की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डॉट 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 में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि सी टैट 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, नियमित विद्यालयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विजुअल डिफिशियंट विद्यार्थी, सी टैट 2000 में आ चुका है ये, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने शो करा देता हूँ जी। यहाँ पर 3 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटल की विशेषता नहीं है, तो देखिए यहाँ पर RJ टैट 2011 में आ चुका है। उसके बाद देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि लब्धि IQ का 25 से 70 के मध्य होना, या 4 ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल शो है फटाफट तरीके से जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर D, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, तो सी टैट 2011 में क्वेश्चन आ चुका है ये भी, तो उनको क्या करते हैं, उनको करते हैं कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर C। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है, आप, तो सी टैट 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने शो करा देता हूँ क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पर कट रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 7 है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो यूपी टैट 2011 में क्वेश्चन ये भी आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर D, यानी कि 71 से कम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है, BTET 2011 में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 8 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि छात्र अधिकांश कार्य हाथों से करेगा तो छात्र में, तो BTET 2011 में क्वेश्चन ये भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है आत्मनिर्भरता पैदा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर D।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अपराधी बालक कौन से होते हैं? तो BTET 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है? तो BTET 2011 में आ चुका है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का व्यवहार कैसे होता है? तो BTET 2011 में भी ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो कैसे सुधारा जा सकता है? BTET 2011 में ये भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुबंधन द्वारा। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है? तो BTET 2011 में आ चुका है यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञान अर्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृति का ज्ञान देना चाहिए? तो BTET 2011 में ये भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? BTET 2011 में ये भी आ चुका है। तो 16 का फटाफट राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो BTET 2011 में ये भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी यहाँ पर भी BTET 2011 में आ चुका है। तो 18 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूक बधिर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा, पिछले बालक ऐसे होते हैं, CGTET में आ चुका है यहाँ पर भी। तो कैसे होते हैं? ये होते हैं उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? CTET 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लीजिएगा चारों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।